अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि गूगल डिसअवाउ टूल क्या होता है और आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्रिएट किस लिए किया गया था। तो गूगल डिसअवाउ टूल की हिस्ट्री ये है कि आज से 4-5 साल पहले लोगों ने नेगेटिव एसईओ शुरू कर दी थी, मतलब लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के हज़ारों के हिसाब से बैकलिंक्स बना देते थे स्पामी वेबसाइट्स पे। तो फिर उन लोगों ने गूगल से रिक्वेस्ट की कि हमें इसका कोई सलूशन चाहिए, अगर हमने बैकलिंक जो ख़ुद ना क्रिएट किए हों, किसी तरह गूगल जो है वो उनको इग्नोर कर दे। तो इसलिए गूगल ने फिर ये डिसअवाउ टूल लॉन्च किया था ताकि जो भी बैकलिंक इसमें सबमिट किए जाएं वो नो इंडेक्स हो जाएं और गूगल उन्हें काउंट ना करे। तो इसके लिए आपको एक डिसअवाउ फाइल क्रिएट करना पड़ती है, इसका नेम कोई और भी हो सकता है लेकिन डिसअवाउ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर इसमें आपने कोई यूआरएल रखना हो तो आप यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट को यहाँ से आ रहा है बैकलिंक, तो मैं इस पूरे यूआरएल को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरी डोमेन को ऐड कर दूँ तो ये इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स हैं और आप सबको एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल एच में जाएं, यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये वाला निशान और यहाँ पे, अब इसे यहाँ पे रखें और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें और ये आप देखें इसने सब के शुरू में ये ऐड कर दिया, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको सबमिट करेंगे ये देखें 26 डोमेन्स और 1 URL। तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे गूगल तो पर्सनली जो SEO के हिसाब से बेहतर यही होता है कि आप मैन्युअली डोमेन वालों को मैसेज करें और वही रिमूव कर दें, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसका भी इम्पैक्ट होता है लेकिन इतना ख़ास नहीं होता, कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं होता। और रिकमेंडेड यही है कि आप वेब मास्टर्स उनको कॉन्टैक्ट करें जिनकी वेबसाइट से बैक लिंक आ रहा है और उन्हें खुद कहें कि रिमूव कर दें। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें SEO मास्टर्स एकेडमी। हैव अ नाइस डे।